ये कोई मार्क्स है तेरे? मार्क्स है? अबे 45% कौन लाता 12वीं में? अबे पड़ोस के शर्मा जी को देख, 90% लाया उनका बेटा। पूरे कॉलोनी में वाहवाही हो रही है और तूने मेरी नाक कटवा दी। अरे नाक! बहुत अच्छी बेटा, बहुत ही अच्छी। बड़ा नाम रोशन कर रहा है तू हमारा। 50% मार्क्स लेकर के आया है, शर्म नहीं आती तेरे को? आने दे अपने पापा को, देख तेरी खाल कैसे उखड़वाती हूँ मैं। पागल कहीं का बड़ा आया। 42% है? क्या करेगा 42% का लाके? दिन भर फेसबुक, व्हाट्सएप, बस हो गया सारा खेल। कहाँ ले मिलेगा तेरे को एडमिशन? अब क्या यूनिवर्सिटी में पीछे खड़ा करेंगे सबसे तेरे को? ऐसा ही सीन हर घर में होता है जहाँ पे बोर्ड रिजल्ट्स आते हैं। मतलब माँ बाप को ज़्यादा गुस्सा होता है, उनको ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है कि हाय मेरे बच्चे के बहुत कम मार्क्स आए हैं, इसके करियर का क्या होगा, इसे कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। बट लेट मी टेल यू, मोटिवेटर और काउंसलर अनिल सेठी मानते हैं कि कम मार्क्स अगर बच्चे के आए हैं ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मैंने देखा ऐसे ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 50% 60% के बीच में खेल रहे हैं एंड दे हैव डन वंडरफुली वेल इन द करियर। क्योंकि क्या होता है, जो टॉपर्स हैं दे फेल एज ए टीम मेंबर। उनकी आई इतनी बड़ी हो जाती है, वो वी और अस को समझते ही नहीं। तो इसलिए सिर्फ मार्क्स से आपको सक्सेस होगी ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता बिल्कुल भी। मार्क्स सफलता की गारंटी नहीं है। इधर उधर ऊपर नीचे देखने से कुछ नहीं होगा। अगर माँ बाप बच्चों को ज्यादा डांटते हैं तो इससे बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ सकती हैं, ऐसा मानना है साइकोलॉजिस्ट अरुणा ब्रूटा का। अगर आप हर समय बच्चे को कोसते रहोगे और यही कहते रहोगे डोंट 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 डोंट, डू 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 दिस डू दिस डू दिस, ये करो ऐसे करो, तुम्हें नहीं करना आता मेरी तरह से करो, तुम्हें तजुर्बा नहीं है, हम तुमसे बड़े हैं, तो बच्चा एक दिन आकर ये कह सकता है, मैंने नहीं कहा वो कहेगा, पर कह सकता है जीने की क्या जरूरत है, मैं इतना कोप नहीं कर सकता। तो मार्क्स कम हो या ज़्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चों को बस लायक बनाइए। और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए BBC हिंदी का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए।